नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट के चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सन टीवी नेटवर्क के बारे में। इन्होंने आज ही डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे इस स्टॉक के बारे में। तो अगर हम देखें तो इनका 52 वीक लो है 486.55 पैसे और 52 वीक हाई 999 रुपीस का। और अभी हम देखेंगे स्टॉक आज का क्लोजिंग 595.75 पैसे, तो इसका क्लोजिंग था लगभग 3% आज डाउन है। अगर हम इनका चार्ट पे नज़र डालते हैं, एक साल के चार्ट में देखेंगे तो ये पहले 900 पे चलता था, 978 के ऊपर, और अब ये चल रहा है 500 के करीब। अगर हम पाँच साल के चार्ट पे नज़र डालते हैं तो इसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ये हर साल कंपनी अच्छी डिविडेंड भी देती है, जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। अगर हम इनकी मार्केट कैप की बात करें तो इनका मार्केट कैप है 23,473.65 करोड़ की। और अगर हम इनकी फेस वैल्यू देखें तो 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू है और डिविडेंड 200% का इन्होंने दिया है। तो अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के 75% का होल्डिंग है और बाकी FII प्लस DII का 25% होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इनकी फाइनेंशियल चेक करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा बड़ा है सितंबर क्वार्टर से। सेल का टर्नओवर इनका सितंबर क्वार्टर में इनका 749.55 करोड़ का था और दिसंबर क्वार्टर में 904.45 करोड़ का। अगर हम नेट प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो लगभग नेट प्रॉफिट इनका सेम ही है। तो सितंबर क्वार्टर की बात करें तो सितंबर में इनको नेट प्रॉफिट हुआ था 351.32 करोड़ का, और दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 351.33 करोड़ का, लगभग सेम ही है। लेकिन हम दिसंबर 2017 की बात करें तो इस टाइम काफ़ी बड़ा है इनका सेल का टर्नओवर। दिसंबर 2017 में इनका सेल का टर्नओवर था 683.28 करोड़ का और नेट प्रॉफिट देखे तो 266.97 करोड़ का है इनका नेट प्रॉफिट है। और अगर हम डिविडेंड पे नज़र डालते हैं, कंपनी ने हर साल कितना डिविडेंड दिया है, चलो देखते हैं। ये देखिए, इन्होंने जनवरी में हाल ही में 50% का डिविडेंड दिया है और आज इन्होंने फिर से एक डिविडेंड दिया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 2018 में इन्होंने 4 टाइम डिविडेंड दिया है, 2017 में 4 टाइम डिविडेंड दिया है, जो कि कंपनी अभी अच्छा ग्रोथ कर रही है। अगर हम बोनस की बात करें तो 2017 में एक बार इन्होंने बोनस दिया था। और स्टॉक प्लेट की बात करें तो 2017 में ही इन्होंने स्टॉक प्लेट भी हुआ है इनका। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रही है। जी एंटरटेनमेंट के बाद इसी का ही मार्केट कैप ज़्यादा है, तो अपने सेक्टर की टॉप 2 में आती है कंपनी। और आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी में कोई भी डेब्ट नहीं है, यानी कि कोई भी कर्जा नहीं है, डेब्ट फ्री कंपनी है ये। चलिए अभी मैं इनका लेटर निकालता हूँ जिसमें इन्होंने डिविडेंड के बारे में बताया है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इनका लेटर निकाला है और इसमें इन्होंने लिखा है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 18 मार्च 2019, और इसमें लिखा है हैज़ डिक्लेयर्ड अ फोर्थ इंटीमेंट डिविडेंड ऑफ ₹2.50 per equity share ऑफ ₹5 each, मीन्स 50% होता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-18। मीन्स इन्होंने 50% का फिर से डिविडेंड दिया है, लगभग 2.50 per share। अगर आपके पास शेयर है तो आप होल्ड कीजिए, इसका रिकॉर्ड डेट भी आ चुका है, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे।
अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप होल्ड कीजिए इसका रिकॉर्ड डेट तक, तभी आप एलिजिबल होंगे। ये आज ही की न्यूज़ है, ये अभी अभी इनके लेटर आए हैं जिसने मैं BSE के वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया हूँ, आप भी इजीली कर सकते हैं। अब मैंने इनका दूसरा लेटर निकाला है जिसमें रिकॉर्ड डेट के बारे में जानकारी दी है, तो आप भी इजीली देख सकते हैं। इसमें लिखा है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट फ्राइडे 22 मार्च 2019 शेल बी द रिकॉर्ड डेट फॉर द इंट्रीमेंट डिविडेंड इफ एनी। मीन्स इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अपना रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर किया था, तो डिविडेंड तो कंफर्म है ही, 50% का इन्होंने दिया है, और जो रिकॉर्ड डेट होगा इसका वो 22 मार्च का होगा। यानी कि आपके पास अगर इसका स्टॉक है तो आपको 22 मार्च तक होल्ड करना है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे, और ये जो पैसा है 22 और 26 के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बताना था आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, आपके दोस्तों के साथ ये न्यूज़ ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए, थैंक यू।